नमस्कार दोस्तों, संतुष्टि ना होना, पावर की कमी महसूस होना, शीघ्र पतन की समस्या होना, ये बहुत सारे लोगों को होता है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं और इसके लिए बहुत सारी दवाइयां लेते रहते हैं लेकिन आराम नहीं लगता। आज मैं आपको अपना बनाया हुआ एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसको यूज़ करने से शीघ्र पतन की समस्या, प्री मैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी और जो पावर की कमी है, जो मानसिक थकान है, जो शारीरिक थकान है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारे सर्वे हुए हैं और काफ़ी सारे स्टडीज़ हुई हैं और उसमें ऐसा पाया गया है, देखा गया है कि हर तीसरा आदमी प्री मैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित है। उसे शीघ्र पतन की प्रॉब्लम होती है, पावर की कमी महसूस होती है, धीरे धीरे ये इम्पोटेंसी में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, जिनको प्री मैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, वो मानसिक तौर पे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता इस प्रॉब्लम के कारण। और जब वो मानसिक तौर पे डिप्रेस हो जाते हैं तो मानसिक तौर पे थकान और डिप्रेशन और स्ट्रेस के कारण प्री मैच्योर एजुकेशन और एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में वो बहुत सारी मेडिसिंस ढूंढते हैं, बहुत सारी मेडिसिंस खाते हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं लगता। दोस्तों, लगभग 2 साल पहले मैंने कुछ पेशेंट्स को कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी की दी और देखा कि प्रीमैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें कितना आराम लगता है इन मेडिसिन से। मुझे पता चला कि इन मेडिसिन से काफ़ी आराम लग रहा है तो वही मेडिसिन मैंने मिलाई और मिलाने के बाद फिर काफ़ी सारे पेशेंट्स को वो मेडिसिन दी और उन्हें बहुत आराम लगा। प्रीमैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन की समस्या या जो कमज़ोरी होती है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और जिसके कारण शीघ्र पतन जैसी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं में भी उन्हें बहुत आराम लगा और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो आज मैं वही फॉर्मूला आपके सामने बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस फॉर्मूले का नाम है 5x हाई पावर फॉर्मूला। बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्मूला है ये, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इसमें होम्योपैथी की। सबसे पहले जानते हैं कि 5x हाई पावर फार्मूला में कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं और वो क्या करती हैं। उसके बाद मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में ही ये फार्मूला बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे यूज़ करें जिससे आपकी प्रीमैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन और शीघ्र पतन की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई हैं। सबसे पहले मेडिसिन है 5x हाई पावर फॉर्मूला की एग्नस कास्ट। दोस्तों, एग्नस कास्ट इम्पोटेंसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। डिज़ायर बिल्कुल भी ख़त्म हो गई हो और साथ ही साथ जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, एजुकेशन बिल्कुल भी ना हो, ना के बराबर हो, तो एग्नस कास्ट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, एग्नस कास्ट को आप इस कॉम्बिनेशन में 30CH पोटेंसी में यूज़ करें। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है कैलेडियम। दोस्तों, कैलेडियम भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इम्पोटेंसी के लिए, प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन बहुत जल्दी हो जाए पावर की कमी के कारण, कैलेडियम लेने से पावर बढ़ती है शरीर के अंदर, जिसके कारण प्री मैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम ठीक होती है। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में आप कैलेडियम को भी 30CH पोटेंसी में ही मिलाएं, 30CH पोटेंसी में ही यूज़ करें। दोस्तों, इसी कॉम्बिनेशन की तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों, मानसिक थकान के कारण आप बहुत ज़्यादा मानसिक काम करते हैं, रात में आके इतना ज़्यादा थक जाते हैं मानसिक तौर पे कि थकान के कारण आपको प्री मैच्योर एजुकेशन, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है और आप उसके बारे में सोचते रहते हैं और इसके कारण और आपको प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे इरेक्शन टाइम बढ़ता है, प्री मैच्योर एजुकेशन ठीक होता है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम भी आप 30CH पोटेंसी में यूज़ करिए। चौथी मेडिसिन है ऑनेस्मोडियम। अगर आप शारीरिक तौर से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, ऑनेस्मोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, पाँचवीं और आखिरी मेडिसिन है साइडोनिया वल्गेरिस। दोस्तों, साइडोनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर पार्ट बहुत ज़्यादा रिलैक्स
टेक्स्ट हो, पार्ट में पावर की कमी हो, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सैडोनिया। दोस्तों सैडोनिया पे मेरा वीडियो है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, ज़रूर आप देखिएगा वो वीडियो भी, आपको अच्छे से सैडोनिया वल्गेरिस समझ में आ जाएगी। सैडोनिया भी 30 CH पोटेंसी में ही आपको इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। तो आपको 5 मेडिसिन होम्योपैथिक शॉप से लेके आना है। सबसे पहले मेडिसिन आपको लेके आना है एग्नेस कास्ट 30 CH पोटेंसी में, 30 ml की फाइल में लेके आइएगा। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी में, 30 ml की फाइल में लेके आइएगा। तीसरी मेडिसिन है ऑनस्मोडियम, ये भी 30 CH पोटेंसी में 30 ml की फाइल में लेके आइएगा। चौथी मेडिसिन है कैलेडियम और पाँचवीं मेडिसिन है सैडोनिया, ये भी आप 30 CH पोटेंसी में 30 ml की फाइल में लेके आइएगा। साथ में आप एक 100 ml की खाली CC भी लेके आइएगा। और जो आप पांचों मेडिसिन ला रहे हैं वो पैक्ड होनी चाहिए, SBL की हो, डॉक्टर रेकवेक की हो, WSI की हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पैक्ड मेडिसिन लेके आइए, साथ में 100 ml की खाली CC उसी होम्योपैथिक शॉप से लेके आइए। अब आपको मैं ये फार्मूला बनाने का तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो 100 ml की खाली CC आप लेके आए हैं उसमें आप 20 ml ये पाँचों को डाल दीजिए, बराबर मात्रा में मिलाइए ये पाँचों को। तो पहले आप 20 ml एग्नेस कास्ट डालिए, फिर लाइकोपोडियम डालिए, फिर ऑनस्मोडियम डालिए, फिर कैलेडियम डालिए और फिर साइडोनिया डालिए, और फिर 100 ml की फाइल पूरी भर जाएगी। उसके बाद आप उसका ड्रॉपर लगा दीजिए, ड्रॉपर वाला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपको लेने में आसानी हो दवा। और उसके बाद आप इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। जो 100 ml की खाली CC है आपने पांचों मेडिसिन बराबर मात्रा में डाल ली है, हल्का सही से हिला लीजिए, बस ये बन गया आपका 5X हाई पावर फार्मूला फॉर प्री मैच्योर एजुकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और शीघ्र पतन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इम्पोटेंसी के लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। अब इसे यूज़ कैसे करना है? दोस्तों इसे यूज़ करने का भी तरीका बहुत ही ईजी है, आपको 2 बूंद इसे पीना है, दिन में 3 बार पीना है, सुबह 1 बार, दोपहर में 1 बार और रात में 1 बार। तो मान लीजिए मेरे हाथ में ये हाई पावर कॉम्बिनेशन है और 2 बूंद मैं डायरेक्टली टंग में टपकाऊंगा, 1 बार सुबह पीऊँगा, 1 बार दोपहर में पीऊँगा, 1 बार रात में पीऊँगा। दोस्तों ये फार्मूला आप लेंगे, लगभग 5 दिन में आपको असर दिखना चालू हो जाएगा। धीरे 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 इसका असर दिखेगा, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम जो आपकी है वो लगभग 15 दिन में आपको लगने लगेगा कि नहीं ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। फिर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा, 1 महीना 2 महीने बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, पावर की जो कमी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेडिसिन आप बंद मत करिएगा, ये मेडिसिन आप कम से कम 4 से 5 महीने कंटिन्यू करिए। वैसे भी अगर आप 100 ml की फाइल बनाते हैं तो 4-5 महीने ये आराम से चलेगी। तो जब तक ये फाइल, जब तक ये CC 100 ml की जो आपने बनाई है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक ये मेडिसिन यूज़ करिए, और आपकी प्री मैच्योर एजुकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम, जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो सिर्फ 1 CC से ही ठीक हो जाएगी। इतनी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है, 5X हाई पावर कॉम्बिनेशन फार्मूला। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसका दौरान बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो मेरे वीडियोस आते हैं, डेली अपलोड्स होते हैं, और जो मेरा लाइव क्लिनिक आता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसमें जाके पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें, खासकर ऐसे लोगों को अगर आपको पता हो कि उन्हें प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो उनके व्हाट्सएप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।